हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अभी तो मैं नहा धो के पूरा तैयार हो गई हूँ और ये देखो मच्छर भगाने के लिए इतना ज़्यादा मच्छर है यहाँ पे पूछो ही मत। और मेरा पैर वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका है, इतना का वो लाल लाल हो गया ना सबका। हम जितने भी लोग आए हैं सबका पैर वगैरह ख़त्म क्योंकि इतना ज़्यादा मच्छर है ना यहाँ पे। तो इसलिए कोयल ना क्या बोलता है यही जला के मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और गैस ना बहुत ज़्यादा दुख की बात है, हम लोग का गांव में इतना ज़्यादा पानी वगैरह आ चुका है, आज दिन भर देने से हम लोग का घर भी डूब जाएगा बोल रहा मम्मी। तो मेरा सासू माँ से भी बात किया है, वो भी बोल रहा बहुत बारिश है यहाँ पे, खाना बनाने के लिए वो लकड़ी वगैरह कुछ भी नहीं है, बोला बाहर थोड़े के लिए भी बाहर निकाल नहीं सकते और इतना तेज़ बारिश हो रहा है। और मेरा जो ननन का गाँव है ना ममसम, वो उसका गाँव में भी बहुत सारा पानी आ गया, उन लोग का गाँव से भी भाग गया है बोल रहा है। वो कॉल किया था सुबह ममसम, तो कॉल करने का बोला सब लोग भाग गया है हम लोग का गांव से, ये सब बोल रहा है, बहुत दुख का बात है। और हम लोग भी यहाँ से कल निकल जाएंगे वो शायद कोयमा में दिमापुर में सारा घूम घूम के जाएंगे हम लोग। तो घर जाने के लिए तो मन हो रहा है गैस, प्लस मेरा पुणे भी जिंदा है या मर गया ये भी पता नहीं क्योंकि अभी तक उसका लाश मिला नहीं है। बहुत दुख होता है गैस, ये सब पता नहीं क्या हो गया है। और देखो पहाड़, इतना सुंदर पहाड़ है, नज़ारा बहुत सुंदर। और अभी भी यहाँ पे बारिश होने वाला है, यहाँ पे ना थोड़ा सा काला काला बादल होने से बारिश इतना देना इतना शुरू हो जाता है। और अभी बारिश देगा थोड़ी देर में धूप यहाँ पे दे देता है, लेकिन यहाँ पे तो पानी फ्लाद वो सब नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी का प्रॉब्लम है ना, इतना ज़्यादा गैस बहुत ही ज़्यादा पानी का प्रॉब्लम है। बाहर देखो ना यहाँ पे पैर में क्या क्या है, बहुत हिल नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कत है गैस। थोड़ी देर में मैं कुछ सब्जी वगैरह ढूंढ लूँगी यहाँ से, खाना तो खा चुके हैं हम लोग और खाने के लिए कुछ बिस्कुट वगैरह भी लेके आया है, भूख लगने से खाएंगे। देखो गैस सेब भाई हम लोग को लेने के लिए आया है उसका घर पे जाने के लिए, पता हम लोग को जाने के लिए मन नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतना सुंदर नज़ारा है, खेत वगैरह है, तो यहाँ पे हम लोग रहने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। प्लस यहाँ पे वहाँ पे ना वो जो पानी बुकते हम लोग कुआँ भी है, और यहाँ पे नहाने के बाद यहाँ पे पानी लेके आया हम लोग बर्तन वगैरह वो साफ करने के लिए, पहुँच चुका है गाड़ी लेके हम लोग को लेने के लिए आया है। और यहाँ पे मेरा पति जब देख रहा है उसको, और गैस वहाँ पे बेतुल और सेब बाय पम पम हंसी मजाक चल रहा है। और मैं आई यहाँ पे खेत में गैस मशरूम ढूंढने के लिए, इतना सुंदर जगह ये देखो ना, इतना सुंदर, यहाँ से जाने के लिए मन नहीं करता बट सेब भाई हम लोग को लेने के लिए आया है और मुझे जाने के लिए मन ही नहीं करा क्योंकि ये नज़ारा इतना सुंदर है, इसलिए जाने के लिए मन नहीं करता। और यहाँ पे देखो गैस मशरूम, मैं मशरूम ही यहाँ से मैं उतार लूंगी तोड़ तोड़ के, यहाँ पे देखो पूरा अवेलेबल मशरूम गैस। मशरूम ढूंढते ढूंढते गैस पूरा नीचे तक आ गए हैं हम, इसको लेके आया साथ में, इतना मच्छर है ना, इतना सुंदर है गैस देखो ना, पूरा थक गए हम भी। और वहाँ पे नीचे में एक पेड़ दिख रहा है, वहाँ पे मशरूम है, तो नीचे जाऊंगी अभी मैं।
इतना सारा मशरूम है गैस, पूरा सूख गया है ये धूप के कारण। अगर बारिश देगा ना फिर से ये फूल जाएगा। मेरे लिए सही है कि सूख जाएगा तो मैं अच्छे से लेके जा पाऊंगी कि खराब नहीं होगा। और बस इतना सा ही तोड़ लिया है और यहाँ से तोड़ लूंगी और भी ढूंढ लूंगी मैं मशरूम। तोड़ते तोड़ते गैस थोड़ा पसीना इतना ज्यादा गर्म लग रहा है। और गैस सब्जी ढूंढना मशरूम ढूंढना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। पता नहीं यहाँ के लोग कैसे कर पाते, इतना ज्यादा मेहनत करते, मेहनत ही होती है। मैं तो थोड़ा सा मशरूम ढूंढ के इतना हालत खराब हो गया मेरा। हम लोग का तो प्लेन भी है ना, यहाँ पे तो पहाड़ है, बहुत मुश्किल होता है गैस। हाथ ध्यान निकल जाएगा जैसा लग रहा है। अभी फिलहाल इतना हो चुका है, अगर ये पानी में भिगो के रख देंगे ना तो इतना बराबर आएगा। और मेरा ये साथी कोयल, और गैस यहाँ पे एक तो है घर, सोता से घर यहाँ पे रेस्ट कर लूंगी अभी मशरूम रख के। देखो गैस इस तरह से देखते हैं, मैं उस तरफ गई थी, अभी ऊपर उठ के यहाँ से नजारा देख रही हूँ। इतना तेज बारिश हो रहा है गैस, ये यहाँ पे देखिए इतना तेज। मैं तो मशरूम ढूंढ के आ चुकी थी, पहाड़ भी गायब हो गया ना। और मेरा पति का देखो क्या और क्या खड़ा है, अभी ठंडी लग रहा है उसको। देखो गैस मुझे इतना सारा मशरूम मिल गया है, अभी इसका अपना दाम मिला मैं। और गैस हम लोग फिर से सैफ भाई का घर पे आ चुके हैं, यहाँ पे खाना बना कर सब कुछ बना के खाएंगे हम लोग। और हम लोग सुबह ही कल निकलने वाले हैं, पता नहीं कोयमा में रहेंगे या दिमापुर में, ये अभी तक वो नहीं हुआ है। तो बा और यहाँ पे आके मैं अभी कुकिंग कर रही हूँ, और तुर्की भी लेके आया था आधे रास्ते से, वही कुकिंग कर रही हूँ। और पम्पम बनाएगा वो फर्क, वही बनाएगा। और भाभी को खाना बनाने के लिए नहीं देंगे, उसका दो बच्चा है, उसको भी तकलीफ होता है। जब तक हम लोग रहेंगे बना के खिलाएंगे, कल भी हम बना के खिलाया था, आज भी खिलाएंगे। और ये देखो हम लोग का पम्पम बैठ गया, इसका साथ खेल खेल के, बच्चा नहीं है यार मत खेलो चुप। और यहाँ पे मैं तुर्की बिरी बना रही हूँ, किंग चिली डाला दो। और यहाँ पे मैंने प्याज काट के रख दिया है, अभी मुझे ये पीस के रखना है। यस भाई खा नहीं सकता ना, इसलिए मैंने मिर्ची कम डाल दिया। और गैस तुर्की बिरी रेडी हो चुका है, और यहाँ पे मशरूम में वहाँ से ही वॉश करके लेके आई हूँ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही बना लूँगी। और यहाँ पे तेल और प्याज दे दिया है, हम लोग लेके आया था लुकर सरसों का तेल, उसी से मैं बनाऊँगी। और गैस देखो यहाँ पे मैं मशरूम बना रही हूँ, पता नहीं कैसा होगा। नागालैंड का मशरूम चकमा स्टाइल बना के खिलाऊंगी मैं आज। सेब भाई खा नहीं सकता ना, इसलिए मैं थोड़ा मिर्ची कम डाल दिया है, लेकिन मिर्ची डालने से बहुत अच्छा होता है। और इसमें है राजपुर और बैतुल ने अभी बना दिया है, ये एक ही साथ में पीस लिया है, और लहसुन के साथ हाँ जो भी हो, बट बोला तो सही होते हैं, कोई बात नहीं, मेरा होते रहता है, एक दो हो गया तो कोई बात नहीं। अभी डाल दे पानी ज्यादा लग रहा है। अभी देख लेते गैस में
भी गर्म है गाइस, और चम्मच इस तरफ खुद को मधु का बराबर सोच रहे हैं। लेकिन ना मोबाइल में इतना काला आ रहा है, बट गाइस इसमें मैंने हल्दी नहीं डाला है, हल्दी है या नहीं पता भी नहीं है मुझे। इस तरफ क्या है देखो गाइस, बिना हल्दी का कैसा लग रहा है कलर। मशरूम गाइस रेडी हो चुका है, ये देखो अभी खाने खाने का टाइम हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है गाइस, ये खाना निकल रहे हैं। ये बम का फर्क इसमें दो खाता है के लिए अच्छा है, स्मेल अच्छा है क्या? बम्बू तीन तरीके का अलग हो गया। अच्छा 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 वीडियो शॉट हो गया पंपा तेरा वाला स्पर्क टच करेगा। तुम तो लंबा करने में ही नहीं। और गाइस यहाँ पे सभी लोग खाना खा रहे हैं, और ये वाला ना पंपा बनाया था, बट देखने में अच्छा है बट टेस्टी नहीं है गाइस। नहीं ऐसे ऐसे मजाक कर रहा था। कैसा लगा भैया खाना? बिना मसाला है ना, बिना मसाला का नंबर वन है ये, हर चीज में नंबर वन है, हीरो है ना, कुक में भी, और नहीं बोलेगा उसको हम लड़की बताने में भी हर चीज में। और गाइस हम लोग तो खाना वगैरह सब कुछ खा चुके हैं, तो आ चुके हैं अपना रूम में, ये अपना रूम ही कहेंगे क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे रहेंगे सेफ भाई का घर पे। तो आज लास्ट डेट हम लोग का, कल सुबह ही हम लोग निकल जाएंगे। और गाइस मैं कुछ आप लोगों से बताना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ गाइस, और जो यहाँ से नागालैंड से गिफ्ट भेजा था वो सब मैंने अनबॉक्सिंग किया था, तो उस समय मैंने वो सामान अनबॉक्सिंग करते समय शायद मैंने साइड में रख दिया था, जो मुझे गिफ्ट दिया था उसको थोड़ा बुरा लगा है एक्चुअली। मैं मतलब वो अच्छा नहीं लगा करके मैंने साइड में नहीं रखा था, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था वो गिफ्ट। मैं घर पे संभाल के रख के आई थी, घर पे जाके फिर भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, जो मैंने साइड में रखा आप लोगों को बुरा लगा है तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और जो अम्ब्रेला का बात किया था वो थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने बैतुल को बोला था कि तुम ले लेना ये वाला साता, और क्योंकि हम दो लोग रहते हैं, और वो दो भेजा था, एक था जापान पता नहीं कहाँ क्या अम्ब्रेला बोलता मुझे नहीं पता, तो उसको बोला था बैतुल तुम ये वाला ले लेना, मैं ये छोटा वाला ले लूँगी, तो बुरा मत मानना गाइस। मैंने वो गिफ्ट वगैरह अच्छा नहीं लगा साइड में रख दिया करके, ऐसा भी बात नहीं है, बस साइड में ही रख दिया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था गिफ्ट, प्यारा था, और जितना भी भेजा था मैंने संभाल के रख दिया है। जो अभी मुझे पता चला है कि उसको जिन्होंने मुझे गिफ्ट वगैरह दिया था उसको बुरा लगा उन दोनों, मुझे तो इतना आइडिया नहीं कौन कौन गिफ्ट वगैरह भेजा था, बैतुल ने नाम भी नहीं बताया था, तो मुझे अभी ही जस्ट पता चला कि उसको बुरा लगा करके। तो गाइस बुरा मत मानना, मैं कहीं दिल से वो संभाल कर रखी हूँ गिफ्ट वगैरह, मुझे इतना पता नहीं था आप लोग को ऐसा बुरा लगेगा करके, तो सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं अच्छा नहीं लगा करके साइड में नहीं रखा था, बस इसे साइड में रखा था क्योंकि मेरे तरफ से तो मैंने प्यार से रखा था, बट आप लोग को शायद बुरा लगा होगा मैं कि अच्छा नहीं लगा गिफ्ट इसलिए साइड में रख दिया करके, आप लोग भी सोचा होगा, लेकिन मैंने अच्छा नहीं लगा करके हमने नहीं रखा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा करके रखा है साइड में, तो बुरा मत मानना गाइस। और क्योंकि हम लोग को सुबह ही निकलने हैं यहाँ से, तो हम लोग का गांव में भी बहुत ज़्यादा वो बांध हो रहा है, पानी वगैरह आ रहा है, तो हम लोग का घर भी मम्मी बोल रहा था, और कल दिन भर देने से बारिश का पानी से हम लोग का घर डूब जाएगा, क्योंकि हम लोग का जो घर होता है सांगर नहीं होता, ऊँचा वाला नहीं होता, आप लोग तो वीडियो में देखता होगा इतना वो है, ऐसे भी घर भी हम लोग एक स्कूल में रह रहे हैं, तो हम लोग का बस एक ही लौता घर है गाइस, अगर वो डूब जाएगा तो हम लोग भी ख़त्म हो जाएंगे। और जो मेरा ननन का गांव है ना वहाँ पे भी बहुत सारा पानी आ गया था, उन लोग तो गांव से ही भाग गए, उन लोग दूसरा गांव में गए हैं, उन लोग का घर पूरा डूब गया है, बोला हम लोग बैतुल को कॉल करके बोला है, तो
हो सके तो घर पे जल्दी जाएंगे क्योंकि दिमापुर में ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे हम लोग, तो वहाँ पे से भाई वो हॉस्पिटल में उसका चेकअप वगैरह करेगा क्योंकि उसका भी ठीक नहीं है, थोड़ा वो भी बीमार है। तो अगर देखते हैं रिपोर्ट वगैरह क्या निकलता है उसका बाद वो भी शायद हम लोग का साथ जा सकता है अरुणाचल में। और उसको इनवाइट किया है हम लोगों ने वहाँ पे जाने के लिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए, तो उसको भी वहाँ पे जाने के लिए बनता है गाइस। थोड़ा देखना चाहिए, एक ही जगह में नहीं रहना चाहता, विजिट करना चाहिए, जगह भी देखना चाहिए। और यहाँ से जाने के बाद तो मैं शायद आ नहीं पाऊँगी नागालैंड क्योंकि मैं भी पूरा बिजी हो जाऊँगी और अरुणाचल फेस्टिवल में, तो आने के लिए चाहती हूँ, देखने के लिए चाहती हूँ, बट देखती हूँ मैं टाइम मिलेगा तो आऊँगी, अगर टाइम नहीं मिलेगा तो नहीं आऊँगी गाइस। मुझे भी देखने के लिए मन कर रहा है कि कैसा होता है कैसा नहीं होता है, मैंने नहीं देखा है। और फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ नागालैंड में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, दिल खुल के बात करते हैं, जो यहाँ का जो पहाड़ वगैरह और हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे है। और ये भी मत सोचना आप लोग कि नागालैंड आके ये सब बोल रहा है, ये भी मत सोचना है क्योंकि मैं कहीं दिल से आप लोगों को बोल रही हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा गाइस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है नागालैंड, इतना सुंदर नागालैंड। और मैंने अभी तक बाहर में भी नहीं गया है, जैसे पहाड़ एरिया जैसे कुछ में नहीं गया है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये सब पे नहीं, मैं पास टाइम आई हूँ ऐसे पहाड़ इलाका में। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इतना सुंदर है, मैं तो कभी कभार किसी का रील्स देखती हूँ कोहिमा वो सब, यहाँ पे आके ही पता चला है सच में इतना सुंदर भी जगह है करके। हम लोग का तो इतना सुंदर नहीं है, प्लेन है बट इतना सुंदर नहीं है हम लोग का, तो यहाँ पे आके पता चला इतना सुंदर जगह है, हमारे वहाँ का पानी सुंदर है। हाँ बस हम लोग का वहाँ का पानी वगैरह सुंदर है, नदी हाँ ना, नदी तो एकदम क्लीन है, अभी तो पानी के कारण नदी भी खराब हो गया क्योंकि इतना ज़्यादा पानी आ रहा, पानी बहा रहा, फ्लाद आ रहा है, इसलिए नदी भी अभी खराब है। लेकिन दो तीन दिन डूब देने से ना वो भी गायब हो जाता है, फिर क्लीन हो जाता है नदी। और हम लोगों को एक अंदर की वजह से इतना सारा कमेंट आया, बैड कमेंट गाइस, हम लोग को पता भी नहीं था कि इतना सारा कमेंट आएगा करके। जो हम लोग का घर पे अवेलेबल था वही बना दिया था, और दुकान में भी बस उतना ही अंडा बचा था जितना, एक्चुअली अंडा भी मैं लेने नहीं गई थी, खुरी को लेने के लिए भेजा था उसको, और बैतुल को भेजा था कि तुम जाओ पम्पकिन का साग लेके आओ क्योंकि पम्पकिन का साग का जो खेती है वो भी दूर में है। और मुनू भैया ने बोला है कि जल्दी जल्दी खाना बना दो क्योंकि हम लोग को खाना खाना है, खाना खा कर कहीं और जाना है घूमने के लिए, तो चिकन वगैरह पास में नहीं मिलता है गाइस। हम लोग हम यहाँ पे आके नागालैंड में आके देख रहे सब लोग मुर्गी वगैरह पालते हैं लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं पालते। आप लोग तो हम लोग का वीडियो देखता है, आप लोग को पता है कि हम लोग चिकन वगैरह भी दुकान से खरीद के लेके आते हैं, जब बाज़ार वगैरह लगता है तभी वो क्या बोलता है फ़र्क मिलता है, और बाज़ार नहीं लगने से नहीं मिलता है, मुश्किल होता है वहाँ पे मिलना, तो चिकन लाने के लिए भी थोड़ा दूर जाना पड़ता है। बट वो मुनू भैया ने हम लोग को थोड़ा टाइम नहीं दिया, अगर टाइम देता तो हम लोग चिकन वगैरह भी वो सब करके लेके, हम लोग को भी मन करता है इतना दूर से लोग आते हैं हम लोग का घर पे थोड़ा मेहमान नवाजी करने के लिए भी मन करता है, बट उसी समय टाइम नहीं मिला था। और उस समय भी मेरा मामा का बेटा का वो पूजा वगैरह होना था, ध्यान हो गया था, तो उसमें भी हम जा नहीं पाए। गाँव वाले भी हम लोग को बोला तेरा मामा सगे मामा है, तुम क्यों पूजा में नहीं आया, तुम्हें आना चाहिए, यहाँ पे काम करना चाहिए। तो मैंने उन लोग को बोला कि ऐसा ऐसा लोग आया था इसलिए उन लोगों के लिए खाना बना दिया, तो इसलिए टाइम नहीं मिला ऐसे बोल दिया। और देखो गाइस वहाँ से भी मुझे बातें सुनना पड़ रहा और यहाँ से भी बातें सुनना पड़ रहा है, कमेंट में भी सुनना पड़ रहा है। और जो हैक करने वाले होते हैं वो शायद दिल खोल के जो दिखा दो फिर भी वो कमेंट वगैरह करेगा, और जो अच्छे होते हैं हम लोग का जो हम लोग को पसंद करते हैं उन लोग थोड़ा सा बोलने से भी उन लोग समझ जाते हैं हाँ ऐसा वैसा है। लेकिन जो घर पे था अवेलेबल था वही बना दिया था गाइस, क्योंकि अभी तो हम लोग का वो घर पे सब्जी का भी वो नहीं है, अभी तो बारिश दे रहा है गाइस, सब्जी भी कुछ भी नहीं मिलेगा, अभी ख़त्म हो गया होगा क्योंकि हम लोग का जो घर का पीछे का जो थोड़ा गद्दा वगैरह है उसमें पूरा पानी पूल हो गया। मम्मी बोला कॉल करके, और मेरा सासू माँ को भी कॉल करके पूछा था कि मम्मी वहाँ पे बारिश बोल रहा है, बहुत बारिश दे रहा है यहाँ पे, और खाना बनाने के लिए लकड़ी वगैरह नहीं है बोल रहा है वो,
थोड़ा सा भी बाहर निकाल नहीं सकते है, बोल रहा है तो। और गैस मेरा वीडियो को अच्छा लगा है ना तो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सब कुछ कर देना यार, इतना तकलीफ से आए हम लोग दूर से अच्छा नहीं लगे तो मत करना, ऐसे जबरदस्ती नहीं है गैस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट।